कपकोट क्षेत्र की समस्याओं के निदान की मांग को लेकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश हैठानी के नेतृत्व में क्षेत्र के ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात कर एक शिकायती पत्र सौंपा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और संचार की सुविधा की मांग को लेकर कई बार सूचित करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़कों में फैले मलबे को हटाने का काम भी नहीं हो रहा है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। हमारे जो है ज्यादा स्कूल प्राइमरी विद्यालय श्यामा पन्याली का जो है जो आदर्श स्कूल है इस वर्तमान समय में, तो उस स्कूल का जो है हमारी छत टूटी हुई थी। जो हम लोग वहाँ के शिक्षा समिति वो लोग चाहते हैं कि वहाँ जो है वो स्कूल की छत को जो है दोबारा से टिन डाला जा रहा है, तो उस टिनों को जो है वो करके लेंटर की व्यवस्था की जाए उसमें, ताकि भविष्य में जो है उसमें ऊपर से बिल्डिंग बनाई जाए, ताकि वहाँ की उस स्कूल में जो है 90 या 96 बच्चों की स्टैंड है, तो वो बच्चे ताकि भविष्य में और अधिक बच्चे होने की संभावना है, तो इसलिए हम जो है उसके ऊपर जो है छत लेंटर डाल करके जो है ताकि भविष्य में उसमें लेंटर डालना चाह रहे हैं, ताकि भविष्य में जो है और उसके ऊपर भी बिल्डिंग बनाई जाए। दूसरा जो है श्यामा पन्याली श्यामा डांगटी नानी पन्याली करके रोड है, तो उस रोड में जो है PWD विभाग द्वारा जो है ऊपर से ऊपर के रोड के ऊपर जो है दीवाल नहीं रखी थी, दीवालों में जिस कारण जो है वहाँ पूरा स्लाइड हो गया है, आप खेतों का जो स्लाइड हो गया है, तो हम चाह रहे थे कि उसमें जो है ऊपर साइड से जो दीवाल रखी जाए और दीवाल के साथ दीवाल रखी जाए, और ताकि जो है ग्रामीणों की जो है नाप लैंड जो है सुरक्षित कर जाए। सबसे बड़ी समस्या है जो हमारा आदर्श प्राथमिक विद्यालय श्यामा पन्याली जो था उस पे मेरे कार्यकाल के टाइम में स्टेट सेक्टर पे 6,72,000 रुपये रखा था। उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि उसमें सीमित जमीन हमारे पास है, उस जमीन में और इधर उधर आवासीय मकान बने हुए हैं, तो जमीन की कमी थी, तो हमने जो उसमें छत रिपेयर के नाम से जो पैसा आया हुआ, तो हमने कहा उसमें लेंटर डालें ताकि भविष्य में उसके ऊपर हम टिन शेड बनाकर बच्चों के पठन पाठन को सुचारू कर सकें, जिसका संज्ञान अभी मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने लिया। दूसरा श्यामा पन्याली ज्ञानधुरा डांगटी सड़क जो है हमारी, जगह जगह उसमें मलबा आ गया, विद्युत पोल बाधित हो गए हैं, पेयजल योजनाएं बाधित हो गई, जो आज तक हमारी हामटी कापड़ी से सबसे बड़ी हमारे वहां से सबसे बड़ी जो पेयजल योजना है जो चेटाबगड़ ना धर्मगढ़ माजखेत यहां माजखेत तक का जो जाती है, कोशहरी जी के गांव तक जो जाती है, उस सड़क में भी से पूरा जो है पेयजल लाइनें ध्वस्त हो गई, जगह जगह पर लोक निर्माण विभाग को बार बार चेताया गया है। और तीसरा जो मांग थी हमारी, जो धर्मगढ़ माजखेत चुचेर जो रोड है उसका मिलान आज तिथि तक नहीं हो पाया, विगत पाँच साल से कट रही है वो रोड, और 6 किलोमीटर भी सुचारू वो नहीं हो पाया है यातायात। और हमारा हामटी कापड़ी गोगिना से लीती से लेके गोगिना तक, जहाँ तक हमारा सीमावर्ती जो हमारा पिथौरागढ़ जो जनपद है उसका नामिक गांव का राशन से लेके मरीजों से लेके सब वहाँ पर आता है, तो उस रोड में दूरसंचार की सुविधा नहीं होने की वजह से वहाँ पर को जो है या मरीजों को ले जाना और यातायात के लिए जो है 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर की दूरी पर आना पड़ता है, जिससे रोड 2-2, 3-3 दिन तक बंद रहती है। वहीं खड़लेख बनार माजखेत मोटर मार्ग का सवाल है, तो वहाँ पर वो रिखूबट्टी एक जगह है जहाँ पर वो स्लाइड और बोल्डर आया, वेबकॉस और PWD लोक निर्माण विभाग के आपसी विवाद के कारण अतिथि तक वो रोड पिछले 4 दिन से बंद पड़ी है, कोई खोलने वाला नहीं है। इन्हीं के संबंधों में हम लोग सभी ग्रामीण यहाँ पर को आके मुख्य विकास अधिकारी को ये शिकायती पत्र दिया कि भविष्य में हम लोगों की अगर मांगों को अगर इसका निस्तारण समय पर नहीं हुआ तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमको आगे कदम उठाने पड़ेगा। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।